Karwa Chauth is a beautiful festival in which married women can do their own makeup and look like a beautiful bride. Hi, my name is Deepthi and welcome to perfectbypyar.com. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल। तो आप लोगों को करवा चौथ के लिए बाहर जाके मेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही अपना मेकअप कर सकते हैं वेरी इजीली। So please keep on watching. So first I'm gonna apply a primer all over my face. तो primer apply करना बहुत जरूरी होता है, especially जब आप foundation apply करते हैं उससे पहले। तो कभी भी आप primer skip ना करें, क्योंकि primer आपको एक smooth base दे देगा और आपकी foundation बहुत जल्दी cakey भी नहीं होगी। Now next मैं थोड़ी सी color correcting कर लूँगी underneath my eyes, क्योंकि मुझे थोड़े से dark circles हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पीच करेक्टर यूज कर सकते हैं। और मैं इस तरह से अच्छे से अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लूंगी। नाउ यूजिंग अ डैम स्पंज मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, बट बहुत अच्छे से मेरे जो अंडर आईज हैं वो बहुत अच्छे से हाइड हो गए हैं, क्योंकि मैंने कलर करेक्टिंग करी थी। तो आप हमेशा कलर करेक्टिंग जरूर करें, और उसके बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर लूंगी अपनी स्किन पे। और हमेशा जब आप फेस्टिवल्स के लिए लुक क्रिएट करते हैं तो आप फुल कवरेज फाउंडेशन ही चूज करें, और वो वाली फाउंडेशन चूज करें जो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो। अब मैं लाइट कलर का कंसीलर यूज कर रही हूँ, और मैं इसको इस तरह से अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लूंगी, जस्ट टू हाईलाइट माई अंडर आईज। और थोड़ा सा मैं नोज पे अप्लाई कर लूंगी, एंड देन यूजिंग अ डैम स्पंज मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो ये सब करने से आपका जो सेंटर ऑफ फेस होता है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड लगता है, और थोड़ा लिफ्टेड लगती हैं आपकी चीक्स भी। तो इसलिए आप इस तरह से कंसीलर अप्लाई करें जस्ट टू हाईलाइट योर फेस। नाउ सेटिंग योर कंसीलर एंड सेटिंग योर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेट नहीं करते तो आपका कंसीलर भी क्रीज हो जाता है और आपकी फाउंडेशन जो होती है वो भी बहुत जल्दी केकी हो जाती है। तो मैं प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ, और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से अपने अंडर आईज को सेट करूंगी पहले। तो उससे जो मेरा कंसीलर होगा वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और क्रीज भी नहीं होगा। और उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी, और मैं सेम प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग माय आई मेकअप मैं थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर लूंगी अंडरनीथ माय आईज। अब इससे क्या होगा, जो भी फॉल आउट होगा आई कैन क्लीन इट इजिली। आई मेकअप के लिए मैं कलर पॉप की फॉर्च्यून पैलेट में से ये ब्राउन आई शैडो ले रही हूँ, और एक बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी इस तरह से। और मैं बैक एंड फोर्थ करके इस आई शैडो को अच्छे से ब्लेंड करूंगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रांजिशन कलर। नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस डार्क आई शैडो फ्रॉम द पैलेट, और मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी जस्ट टू स्मोक आउट माई आउटर कॉर्नर्स, एंड देन आई एम गोना ब्लेंड दिस कलर इनवर्ड्स लाइक दिस। नेक्स्ट मैं ये ब्लू आई शैडो ले रही हूँ, और मैं इसको एक आई शैडो ब्रश की हेल्प से अपनी पूरी आईलिड्स पे अप्लाई कर लूंगी। आप चाहे तो आप किसी और कलर का भी आई शैडो यूज कर सकते हैं। अब मैं कलर पॉप का आई शैडो ले रही हूँ, और अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा अपनी सेंटर पे डैप करूंगी इस तरह से। Now I'm gonna dust off the excess loose powder from my under eyes. Always curl your lashes before applying a mascara. तो मैं eyelash color use कर रही हूँ, और mascara के लिए मैं Sigma का mascara use कर रही हूँ, and I'm gonna coat my lashes really well with this mascara. Next I'm taking the same dark color from the palette, और मैं एक small pencil brush की help से इसको smudge करूँगी on my lower lash line. Then I'm gonna take this light color from the palette, और मैं इसको अपनी inner corners पे apply करूंगी just to highlight my inner corners. Now I'm gonna take this ColourPop bronzer, और मैं एक small brush की help से अपने face को थोड़ा सा bronze up करूंगी, क्योंकि base के बाद आपका face बहुत ही flat लगता है, तो आप थोड़ा सा bronzer apply करें just to add a little bit color on your face. तो आप उसके लिए किसी भी color का bronzer use कर सकते हैं। Now for the blush, मैं use कर रही हूँ MAC Cosmetics का blush, और Real Techniques blush brush की help से I'm gonna apply this on the apples of my cheeks. So always use synthetic brushes for the blush. Next मैं ColourPop का highlighter use कर रही हूँ, और एक small highlighter brush की help से I'm gonna apply this on the highest points of my cheeks, on my nose. Now lipstick के लिए मैं थोड़ी सी pinkish reddish kind of lipstick use कर रही हूँ। आप चाहें तो आप nude color का lip color भी use कर सकते हैं। So this is the final look.
So that was the beautiful yet really simple Karwa Chauth makeup tutorial. But aap ye look create kar sakte hain for any festival you want. I really hope aap logon ko ye makeup look pasand aaya hoga. And don't worry if you don't have the perfect man in your life jiske liye aap Karwa Chauth ka vrat rakhe. Just download the Pyar.com app to find your better half. I'm Deepthi. I'm going to see you guys in the next video. Until then, take care and goodbye.